हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, वापस से अपने ये जो जादू मंत्र वाली लाइट है उसके साथ, लाइट नहीं है वैसे, जादू ही है ये, गंजी चुड़ैल का जादू है जो चलता रहता है, उसके टकले से आती है रोशनी। कभी कभार मैं क्या अजीब बातें बोलता हूँ, बट मज़ा आता है। तो ये मैंने मजे में शुरू करी थी सीरीज, बट अब मज़ा आ रहा है, लिटरली मज़ा आ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जो कंटेंट देखा है उसको मैं रियल सिनेमा डिफाइन कर सकता है। रियल सिनेमा वही होता है मेरे हिसाब से जो कि आर्टिस्टिक सिनेमा में उसको बहुत अच्छे से देखा। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं पर वो मेन स्ट्रीम नहीं होती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम वाले लोग टट्टी देखना पसंद करते हैं और सिर्फ सुपर हीरो वर्शिप करना चालू कर देते हैं। बस मैं मानता हूँ खुद को भी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को नहीं उनमें गिन रहा, मैं भी हूँ एक वही अजीब बच्चा जिसको बस एक हीरो जो कुछ भी कर देगा उसको वो पसंद है, बट वो अच्छे कंटेंट को देखना ही नहीं चाहता। बहुत बार मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैं उसमें बिल्कुल शर्म नहीं खा रहा, क्योंकि दिस इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दैट वी आर, कुछ भी करते हैं। तो आओ, तो मैं फटाफट अच्छी अच्छी मूवी की रिकमेंडेशन देता हूँ मज़े मज़े से, और मैं चाहता हूँ कि मैं रिव्यू करूँ अच्छे से। अगर तुम्हें कोई भी मूवी का रिव्यू चाहिए हो ना डीप में, क्योंकि मैंने सबको अच्छे से कर रखा है, बट मैं इस पूरी सीरीज को लंबा ना रखते हुए तो मैं बस छोटे छोटे में उनका रिव्यू दूंगा, ताकि जो मज़ा है, जो मुझे मज़ा मिला, मैं उसको तुम्हें बाद में दे सकूँ। पहली मूवी जो कि मैंने बहुत दिनों से देखने की सोच रहा था पर नहीं देखा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त जिसका नाम है गोली, उसका दूसरा नाम भी है बट वो मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा, नहीं तो उसको बुरा लग सकता है, बस यही कहना चाहूँगा, उसको समझ आ गया। तो हाँ, जो मूवी है वो क्या है, उसका नाम है मंजूमल बॉयज, और मैं बहुत दिनों से देखना चाह रहा था, और जो मैंने गलती करी ना देख के वो मेरे को अब समझ आ रहा है, बट क्या चीज़ है। मतलब हिंदी डब में ऑफिशियली तुम्हें मिल जाएगी किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, नाम याद नहीं, मेरे को बता दूंगा तुम्हें। तो मंजूमल बॉयज बात करती है एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिप के बारे में, जो कि फ्रेंड्स की ट्रिप होती है, जो कि तुम मैं सब जाना चाहते हैं बट जा नहीं पाते हैं, जो कि पहला प्लान सबका गोवा होता है, उनका भी गोवा ही होता है, बट तुम्हें पता है जैसे कि हर बार दो तीन बार कैंसिल करना पड़ता है गोवा को, वही सेम उनके साथ भी होता है। और फिर वो जाते हैं एक प्लेस पे जहाँ पे एक गाना शूट हुआ होता है कमल हासन का, जो कि शुरुआत में ही बता दिया जाता है, तुम देखना स्टार्ट करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा, उसी जगह घूमने जाना चाहते हैं, और फिर कुछ लोग मान भी जाते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं बहुत ही अच्छा डायरेक्शन स्टाइल, मैं कहूँगा डायरेक्टर को हेड्स ऑफ, मतलब लिटरली क्या क्या चीज़ें सिम्बलाइज की गई हैं कि भगवान, किसी की भगवान कोई कैसे मानता है भगवान को, और कैसे वो डेविल्स किचन जो जगह दिखाई गई है जहाँ वो जाते हैं और वो कुछ कांड हो जाते हैं उनके साथ, वो कितने अच्छे से सिम्बलाइज करा गया है, इस पर मैं बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ। तो मैं शायद से इसकी, अगर तुम कहोगे, वैसे तो मैं लाऊंगा ही, बट अगर तुम कहोगे तो मैं अच्छे से एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, फिर मैंने उसको डिलीट मार दिया, अब उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर तुम्हें डायरेक्शन स्टाइल एक मूवी देखनी जो बहुत ही अच्छी लिखी गई है, बट हाँ तुम्हें थोड़ी देर शुरुआत में ग्रैब करेगी, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो जैसे डिपिक्ट करने चाहेंगे रेफरेंस देके कि क्या कौन क्या है, जैसे कि मैं एक रेफरेंस बता सकता हूँ कि जो पूरी गैंग ऑफ दोस्त है उसको एक बंदर की गैंग के तरह रेफरेंस में दिया गया है, 2-3 सेकंड के शॉर्ट में, जो कि बहुत अच्छे से सिम्बलाइज करती हैं चीज़ों को क्या हो रहा है, और डेविल्स किचन जो जगह है उसका नाम वो क्यों है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं कि भगवान कैसे मानते हैं, और भगवान को अगर तुम मानते हो और भगवान तुम्हें स्पर्श कर ले उसके बाद तुम क्या हो जाते हो, वो चीज़ें, मतलब इस मूवी ने रिलीजियस चीज़ों को बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज करके तुम्हें दिखा दिया है। अब वो तुम्हारे मुंह पे बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये बोल के सिखा रहे, बहुत अच्छे से दिखा दिया, अगर तुम थोड़े भी समझदार होगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। और ये मूवी इस पूरी सीरीज में जो कि आगे आने वाली उन सब मूवीज़ में मस्ट वॉच है, अगर तुमने ये नहीं देखे तो तुम मर्द नहीं, लिटरली मैं गिन के दे रहा हूँ हाँ तुम नहीं हो, मेरे सारे दोस्तों ने देख लिया, अगर तुम मेरे वॉचर हो तो तुम्हें देखनी मस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ही मूवीज़ कहता हूँ जो तुम्हें देखनी ज़रूरी है और तुम्हारी मर्ज़ी होती है, बट ये तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, ये मैं कह रहा हूँ देखो। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, वो जब तक आएगी वो शायद से 2-3 दिनों में आए, तब तक के लिए देख लो इस मूवी को, फिर अच्छे से बात करूंगा इस पर। फिर मैंने मूवी देखी चारी 111, जो कि एक बहुत ही बेकार मूवी है, लिटरली बेकार मूवी है, वो लगती है कि बहुत ही ऐसा लगता है हर्ष बेनीवाल ने अपना बजट बढ़ा दिया पर अपनी जो प्रोडक्ट, अपनी जो स्ट्रेटजी होती है ना वीडियो बनाने की वो कम कर दी है, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब मजाक करना चाह रहे हैं वो, ठीक है वो एक्टर उन्होंने इसीलिए लिया कि कॉमेडी है, पर कॉमेडी भी तो अच्छी करो, या तो वो उन्होंने ना हिंदी डब में बेकार कर दी मूवी, ऐसा हो सकता है, बट लग नहीं रहा था कि हिंदी डब में ही बेकार हुई है, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब थी उसमें, मतलब उस लिटरली ऐसा लगता है कि यूट्यूब किसी बड़े यूट्यूबर ने स्पूफ वीडियो बनाई, जैसे कि
जॉनी इंग्लिश की किसी यूट्यूबर ने स्पूफ बनाई है, फिर यूट्यूब वीडियो की स्पूफ किसी पिक्चर ने बनाई है, वो लग रहा है ये 4111 ना ही देखना, अगर पैसे हैं तो उतने मेरे को डोनेट कर दो। फिर मैंने देखी 8 AM मेट्रो, मतलब 8 AM मेट्रो किस चीज़ पे बेस्ड है, दो शादीशुदा अलग अलग शादीशुदा कपल में से दोनों इंडिविजुअल्स मिलते हैं मेट्रो में 8 बजे सुबह, और फिर वो जो मिलते हैं और वो मुलाकात, एक मुलाकात कब बतेरी मुलाकात में बदल जाती है, और फिर वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं और जान लेते हैं कि एक शायर है, बुक्स पढ़ता है बहुत ज़्यादा, और भी चीज़ें हैं जो में धीरे धीरे बताई जाती हैं, मतलब एक होता है ना वो मिठास होती है किसी चीज़ में पर वो धीरे धीरे घुलती है तुम्हारे मुँह में, वो मूवी है, और वो जो लास्ट में जो एकदम से तुम्हें चोट पड़ती है, हाँ ये चीज़ें क्या हो गई हैं एकदम से, पर मूवी शुरुआत से तुम्हें ये भी दिखाएगी कि अगर वो एक भी स्टेप ज़्यादा ले लेंगे तो वो उन दोनों के लिए नहीं बहुत लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगा लिटरली, और वो मूवी के बीच में भी दिखाया जाता है कि अगर तुम चीट कर रहे हो, तुम पे चीट हो रहा है, तो दोनों ही बर्बाद हो लिटरली। ATM मेट्रो है क्या? ATM मेट्रो एक अनकही लव स्टोरी है, और जो है फील होती है तुम्हें कि वो लव स्टोरी है, बट अगर वो लिटरली ये लव स्टोरी हो जाती तो वो ख़राब हो जाता, तुम्हें ये फील भी होगा साथ साथ में, क्योंकि दोनों के तरफ से जो भी है वो ठीक है प्योर है, बट जो उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, जो तुम लोग कर रहे हो उन लोगों ने तो वो सोचा भी नहीं था। तो मूवी एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर चलती है जिसका नाम है डोंट चीट अदरवाइज देर इज समथिंग नॉट गुड फॉर योर लव्ड वंस लिटरली, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम फिर उनके लिए बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट हो जाओगे, अरे ये क्या हो गया वो वाला, और कुछ कुछ चीज़ें ना पोएटिक चीज़ों में, पोएटिक लाइन्स में कही गई हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो कुछ पोएटिक लाइन्स हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा, अपने पास्ट को पानी में बहा दिया नई उड़ान की तलाश में, अपनी खामियों को भुला दिया कुछ उन अनकहे से एहसास में, ये चीज़ें लाइन, मतलब मूवी पोएटिक है बहुत अच्छे से पोएटिक है, और जो अगर पोएटिक मूवीज़ देखने को पसंद है थोड़ा भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो तुम्हारे लिए अच्छी मूवी है, मतलब इसी को कहते हैं कि पैरेलल सिनेमा जो होता है ना, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं लेता, एक्ट्रेस को नहीं लेता, बट उनकी जो प्लॉट या जो उनकी स्टोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो वाला सीन है यहाँ। तो ATM मेट्रो अगर देखनी है बहुत बढ़िया मूवी है, और जो लास्ट में जो रिवीलेशन होता है कुछ चीज़ों का वो बहुत परफेक्ट लगा मुझे, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था उससे पहले, और वो ना एक सेकंड को तुम्हें हिट करेगा ना, तब जब वो चीज़ दिखाएंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब ये थोड़ा डार्क पाथ पे नहीं जा रही ना मूवी वो एक सेकंड में। फिर मैंने देखी आवेशम, तुमने नहीं देखी है तो तुम्हें बता देता हूँ, फाजल ने डायरेक्ट कर प्रोड्यूस करी है सॉरी, और उन्हीं ने एक्ट करा है, और जो मूवी है वो बहुत अच्छे से फन के साथ खेलती है कि तीन लौंडे हैं, तीन लौंडों को किसी ने कॉलेज में बुली कर दिया, वो उस बुली को पेलने के लिए एक बहुत बड़े बुली को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो उन्हें कहाँ मिलता है एक बार में, और कैसे मिलता है वो भी अच्छी स्टोरी, मतलब पूरी मज़े वाली स्टोरी है, इसमें दिमाग लगाने का कोई वो ही नहीं है, जोरियन दिया गया है, और जो लास्ट में जो चीज़ें हैं हमें उस कैरेक्टर जो आवेशम में रंगा दिखाया गया उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है कि अरे ये तो फट्टू है, इसका ये जो कहानी बनाता है इसका सच नहीं होगा, और जो लास्ट में रिवील किया जाता है कि वो क्यों ऐसा करते हुए भी दुखी है, वो अंदर से डिप्रेस्ड है, वो हर बार रो रहा होता है अगर वो किसी को मारना पड़ता है, तो उसके अंदर का दुख अपनों के लिए जो है, वो जो बॉन्ड बना लेता है वो बहुत प्यारे बॉन्ड होते हैं उसके लिए, और वो नहीं तोड़ना चाहता उनको, वो दिखता है उस कैरेक्टर में। और तो अगर तुमने देखनी है फाजल की कोई नई मूवी जो कि अच्छी है तो मस्ट वॉच आवेशम। मम्मी प्रॉमिस इज बिगर देन एनी अदर प्रॉमिस, ये दिखाया गया मूवी में। फिर आती है डायरेक्टोरल डेब्यू ऑफ किरण आगे आमिर खान की एक्स वाइफ, ठीक है यार गालियाँ पड़ेंगी बट नहीं, किरण राव सॉरी, मूवी का नाम है लापता लेडीज, और वो बहुत प्योर इमोशंस पे बेस्ड है, तुम्हें समझ आएगा कि उसमें चाहे खर्चा कम हुआ पर जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे वाले हैं जो हिट करते हैं तुम्हें। मूवी का जो सब्सटेंस है वो तो बहुत बढ़िया है ही, जो लिखाई है वो बहुत बढ़िया है ही, बट जो कैरेक्टर्स ने अपनी एक्टिंग दी है वो एक नंबर भाई, तीन जो लीड हैं वो तो सबसे बढ़िया हैं। नितांशी गोयल जो 17 साल की है, मेरे को खुद भी कॉम्प्लेक्स आ गया था मैंने जब देखा ना कि वो 17 साल की, भाई मेरे से भी एक साल छोटी, मेरी बुद्धि सनक गई है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, कैमरा के सामने बात करता हूँ उसमें भी चार लोग देखते हैं, चार लोग गाली देते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कभी कभार तो हिट करता है, ये झूठ नहीं बोलूँगा कि कभी कभार ऐसा हिट करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, बट मेरे को पता है मेरे चीज़ें क्या हैं, गोल्स क्या हैं जो कि मैं एक दिन पूरा करूँगा, वादा है दिल से, बिल्कुल दिल से वादा कर रहा हूँ। दूसरी एक्ट्रेस का नाम है प्रतिभा रंटा, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, पर प्रतिभा रंटा
जिनकी उम्र है 24, मतलब वो तो ठीक है, बट स्पर्श श्रीवास्तव, स्पर्श श्रीवास्तव को मैंने सबसे पहले देखा था एक सीरीज जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वो साइबर क्राइम पे बेस्ड है पूरी, बहुत बहुत ही फेमस जगह के ऊपर है, जो कि तुमने भी देख रखी होगी। इन तीनों की परफॉर्मेंस टॉप पे है। उसके बाद जो है ना, जो एकदम से शाइन ले गए, जैसे बॉबी देओल ले गए थे ना एनिमल की शाइन, वैसी यहाँ आते हैं रवि किशन। भाई साहब जो एक्टिंग दी है, पहले तुम उस कैरेक्टर को देखते हो कि वो बिल्कुल ही करप्टेड है, पैसे लेके सब काम करता है बहुत आराम से, बट अगर तुम पैसे नहीं देते हो तो बहुत डिले होती है चीज़ों में, बट जब पैसे मिलते हैं तो वो बहुत तेज चलता है उस काम के लिए। और वो जो लास्ट में उसका कैरेक्टर दिखाया गया कि वो सिर्फ करप्टेड ही नहीं है, उसमें एक वैल्यू सिस्टम है अभी तक जो वो नहीं तोड़ेगा। और वो जो लास्ट में रिविलेशन है कि हाँ भाई यही इसे कहते हैं कानून, जो तू कह रहा ना कि क्या ये कानून है, रिश्वत दी चल बैठा जेल में बंद करो साले को, वो मूवी में अच्छे से दिखाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो कि मूवीज को बात करनी चाहिए ना, वो ऐसे बात करनी चाहिए सटलनेस के साथ, ऐसा नहीं कि रॉकी और रानी चल ली और फिर वहाँ वो सीन दिखा दिया, मतलब ठीक है वो सीन भी ठीक है, अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बताओ क्या फ़ायदा है फिर। वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा नहीं कि तुम आदमी को औरत बना दो, तुम अपने आप को ऊपर देखो, समझ रहे, फ़र्क है दोनों में। और तीनों जो ये एक्टर्स के मैंने नाम लिए तीनों, भाई ये तीनों तो मैं रियल लाइफ में देखोगे ना बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। और टू बी ऑनेस्ट ये तो जो 17 साल की बताई मैंने मैं कुछ कहना चाहूँगा, बट ठीक है अगले साल कहूँगा जब वो मेजर हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को जेल हो जाए। नहीं वैसा कुछ गंदा नहीं है, मैं प्रपोज करने की सोच रहा था, बट ठीक है गाली पड़ जाएगी अभी दोस्तों से ही, अब इस साले काम कर फेस ढक दे दम, पहचान ढक देना, ये जो चीज़ें हैं ना वो मैंने एम्पावरमेंट को दिखाती हैं चीज़ें छोटी छोटी के, तुम शादी के बाद काम क्यों नहीं करोगे ये वो, और वो जो दिखाई जाती है पहली कमाई मिलती है वो जो खुशी दिखती है, वो चीज़ें तुम्हें कनेक्ट करेंगी। मतलब जो भी अगर औरत देख रही है इस मूवी, जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, उनको जो उनके अंदर की लापता लेडी है वो मिल जाएगी एक तरीके से, जैसे अब्यूज़ होता है उनके ऊपर जो कि है सच, उसका भी अल्टरनेटिव या उन्हें पढ़ना है वो बहुत लोग रोक देते हैं, उसका जो अल्टरनेटिव वो सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से मूवी बात करती है, चाहे थोड़ा ही करती हो बट अच्छे से करती है, इसीलिए ये मूवी देखनी बनती है तुम लोगों को। अगर तुम नहीं देख रहे तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर दो ताकि मेरे को समझ आए, और दोस्तों को शेयर करो। टू बी ऑनेस्ट अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, लिटरली बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिल से आवाज़ निकलेगी तुम्हारी सक्सेस के लिए, खुद के लिए तो निकलती है बट तुम्हारे लिए भी निकलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना, और मिलता हूँ चलता हूँ अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। कैसे हो? हाँ सीरीज़ मज़ेदार है कि नहीं लाइक करके बताओ, और शेयर करो, दो लोगों को शेयर करो, दो लोगों से कहो चार लोगों को करें, चार लोगों से कहो आठ को करें, एक अलग से ही नेटवर्क बनाएंगे अपन, ठीक है। MLM नो, लक्ष्य MM बिग। और फिर आती है कि जो मैंने लास्ट मूवी देखी है जिसका नाम है